हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टैसी पॉइंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार यूपी कैटेट के पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी की कैटेगरी में हम आज बॉटनी का जो है 200 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें हमने 200 क्वेश्चंस में जो है पूरी बॉटनी कवर की है। ये जो 200 क्वेश्चन है ये आपके जो यूपी कैटेट का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं अब फर्स्ट क्वेश्चन से, मूलांकुर किस द्वार से बीज के बाहर आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजांड द्वार द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजावरण का बाहरी भाग कहलाता है? तो बीजावरण के बाहरी भाग को हम बीज चोल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज का कौन सा भाग भूमि से बाहर आकर प्रारोह बनाता है? तो उस भाग को हम प्रांकुर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम के बीज के एक और एक लंबी सफ़ेद रेखा होती है जिसे कहते हैं? तो उस लंबी सफ़ेद रेखा को हम रेफी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण पोषी बीजों यानी कि इंडोस्पर्मिक सीड्स में पोषण संग्रह किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण पोष में, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रूण पोषी बीजों में पोषण किस में भरा रहता है? तो अभ्रूण पोषी बीजों में जो पोषण है वो बीज पत्रों में भरा रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के अंकुरण में हाइपोकोटाइल की तेज वृद्धि के कारण बीज पत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं? तो EPGL कंडीशन में ही जो हाइपोकोटाइल हैं वो तेज वृद्धि के कारण बीज पत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जरायुज अंकुरण किस में होता है? तो जरायुज अंकुरण जो है वो राइजोफोरा में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फल भित्ति और बीज आवरण अलग नहीं होते, अतः मक्का का दाना है? तो जो मक्का का दाना है वह एक फल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का के कटे दाने को आयोडीन घोल से रंगने पर भ्रूण पोष का रंग हो जाता है? तो जो भ्रूण पोष है उसका रंग नीला काला हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूसला जड़ का निर्माण किससे होता है? मूसला जड़ का निर्माण जो है वो मूलांकुर से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तने शाखा या पत्ती के तल से कौन सी जड़ बनकर निकलती है? तो उस जड़ को हम अब स्थानिक जड़ बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी जड़ों में मूलोम नहीं होते? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे हाइड्रा, यूट्रिकुलेरिया, स्पायरोगोरा। तो इन्हीं तीनों की जो जड़ हैं उनमें मूलोम नहीं होते, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकुरबीटा के तरुण स्तंभ में संवहन मूल होते हैं? तो उभय फ्लोएमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीजपत्री तने में अध स्तुचा यानी कि हाइपोडरिस हाइपोडर्मिस होती है, तो इसका राइट आंसर जो है वो दृढ़ ऊतक हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब के पौधे में किस प्रकार की कलिका पाई जाती हैं? तो जो गुलाब का पौधा है उसकी जो कलिका हैं वे कक्षीय रूप में पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समपार्श्विक कलिका पाई जाती हैं? तो समपार्श्विक कलिका जो है यहाँ पर ऑप्शन देखे थे मिर्च में, बैंगन में, दोनों उपरोक्त, तो दोनों ही में जो है समपार्श्विक कलिका पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा जड़े भूमि से जल तथा लवणों के घोलों का अवशोषण करती हैं? तो ये आप सभी को पता होगा कि मूल लोम के द्वारा भी अवशोषण करती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्करूप प्रकार की मूसला जड़ है? तो तर्करूप प्रकार की मूसला जड़ मूली है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघाड़ा में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो जो सिंघाड़ा होता है उसमें स्वांगी कारक जड़ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल व खजूर में कौन सी जड़ पाई जाती है? तो जो नारियल और खजूर है उसमें जो जड़ पाई जाती हैं उनको कंटक रूपी मूलिक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी जड़ों में मूल गोप का अभाव होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखे थे जामुन, मूली, यूट्रिकुलेरिया, बरगद। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी जड़ों में रंध्र तथा वातर रंध्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे राइजोफोरा, आम, गेहूं, पीपल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा राइजोफोरा, जिसमें वातरंध पाए जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोफोरा है, ऑप्शन दिए गए थे समोद्भिद, जलोद्भिद, लवण मृदोभिद, उपरोक्त कोई नहीं। तो इनमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लवण मृदोभिद, क्योंकि उसमें जो है इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि उसमें वातरंध पाए जाते हैं, जिसके कारण वह जो लवणीय मृदा है उसमें भी बहुत आसानी से रह सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ के मूलाग्र पर विभाजन है। तो जो जड़ का मूलाग्र होता है वहाँ पर जो विभाजन होता है उसको हम बोलते हैं कि वह एक सूत्री विभाजन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बीज पत्री जड़ में जाइलम बंडल की संख्या होती है। तो एक बीज पत्री में जो जाइलम है उनकी संख्या 5 से 10 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल छद प्रायः अनुपस्थित होते हैं। तो ये अनुपस्थित होते हैं जलोद्भिद में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुगेनवेलिया है। तो ऑप्शन दिए गए थे कंटक आरोही, अंकुश आरोही, मूल आरोही, प्रतान आरोही। तो जो बुगेनवेलिया होता है वो होता है कंटक आरोही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन व मोस के पौधे हैं। तो लाइकेन व मोस के पौधे जो हैं वे होते हैं एपीफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी व कैक्टस किस प्रकार के तने हैं? ऑप्शन दिए गए थे साकीय, नीलाब, सरस, कोंदार। तो राइट आंसर हो जाएगा सरस, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलाब तने पाए जाते हैं। तो जो नीलाब तने हैं वे पाए जाते हैं मकोए में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट स्टॉक किस प्रकार के तने को कहते हैं? तो रूट स्टॉक जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे उदर्क प्रकंद, क्षैतिज प्रकंद, कंद्र, घनकंद। तो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा उदर्क प्रकंद, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संग्रह के कारण मोटा होकर भूमि समांतर चलता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकंद, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूमिगत तने की आंखों में सल्क पत्र होते हैं? ऑप्शन दिए गए थे कंद, सल्क कंद, प्रकंद, घनकंद। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रंभाकार तने पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिए गए थे गुलाब, आम, गुड़हल, उपरोक्त सभी। तो रंभाकार जो तने हैं वे सभी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोम का उदाहरण है। तो ऑप्शन दिए गए थे हल्दी, केला, फर्न, उपरोक्त सभी। तो राइजोम का जो उदाहरण है वे हल्दी भी है, फर्न भी है, केला भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना, केली एवं केला किस प्रकार के तने हैं? ऑप्शन दिए गए थे क्षैतिज प्रकंद, स्तंभकंद, घनकंद, रूट स्टॉक। तो यहाँ पर रूट स्टॉक जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्क पत्र पाए जाते हैं। तो जो सल्क पत्र हैं वे पाए जाते हैं रनर में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के शाखा विन्यास में मुख्य स्तंभ की शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि निश्चित काल तक ही होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सशिमाक्षी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिका का रूपांतरण है। तो जो कलिका है उसका रूपांतरण जो है उसको हम पत्र प्रकलिका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तने या कलिका का रूपांतरण है। ऑप्शन दिए गए थे स्पाइन, प्रीकिल, बल्ब, थॉर्न। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा थॉर्न। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घायत आकृति की पत्तियाँ किस में पाई जाती हैं? तो दीर्घायत आकृति की पत्तियाँ जो हैं
वे केले में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केले की पत्ती में पत्र अग्रक किस प्रकार के होते हैं? तो केले की पत्ती में जो पत्र अग्रक हैं वे होते हैं तंतुवत, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यानाशी में किस प्रकार का पत्र तट पाया जाता है? तो सत्यानाशी में पाए जाने वाले पत्र तट जो होता है वह सूलमय प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चना अरहर एवं मटर की पत्तियां किस प्रकार की हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे सरसपन, संयुक्तपन, पंचपर्णी, शल्कपत्र, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा संयुक्तपन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू की पत्तियां हस्ताकार प्रकार की हैं? ऑप्शन दिए गए थे द्विपर्णी, एकपर्णी, त्रिपर्णी, बहुपर्णी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा एकपर्णी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के पौधे पर किस प्रकार का पर्णविन्यास पाया जाता है? तो जो तंबाकू का पौधा होता है उस पर जो पर्णविन्यास पाया जाता है वह होता है एकांतर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम एवं फ्लोएम है, ऑप्शन दिए गए थे विशिष्ट ऊतक, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक, उपरोक्त सभी, तो जो फ्लोएम है और जाइलम है ये ऐसे प्रकार के ऊतक हैं जिनको हम जटिल ऊतकों की श्रेणी में रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ तथा तने के मध्य भाग में स्थित होता है, तो जड़ तथा तने के मध्य भाग में जो स्थित होता है उसको हम मज्जा बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपर्णी हस्ताकार पत्ती में अनुपूर्ण होते हैं, तो जीरो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पत्ती की सतह लसदार होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे तंबाकू, अशोक, अरहर, गेंदा, तो जो लसदार पत्ती है वो होती है तंबाकू की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता की पत्ती का कटाव होता है, ऑप्शन दिए गए थे सरस, संयुक्त, दीनतर हस्ताकार, दीर्घ हस्ताकार, तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दीनतर हस्ताकार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती की सिराएं वाहक हैं, तो जो पत्ती की सिराएं हैं वे वाहक होती हैं कोश रस के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोपस है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, तो जो राइजोपस है वह एक कवक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ एवं धान में पुष्प क्रम है, तो गेहूँ एवं धान में जो पुष्प क्रम होता है उसको हम स्पाइकिका बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र है, तो जो पौधे की वृद्धि को नापने का यंत्र होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्कोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट भक्षी है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कवक, यूट्रिकुलेरिया, लाइकेन, मशरूम, तो जो कीट भक्षी होता है वह होता है यूट्रिकुलेरिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वृक्ष है, तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वृक्ष जो है वह है सिकोया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता ग्राही जड़ें हैं, तो जो आर्द्रता ग्राही जड़ें हैं वे होती हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे गाजर, मूली, हाइड्रा, बाजरा, तो इनमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणाब पर्व पाया जाता है, तो जो प्रणाब पर्व है वो पाया जाता है सतावर में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें जाइलम बंडलों की संख्या 6 से अधिक होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे बहुबीजपत्री, द्विबीजपत्री, मरुस्थलीय, एकबीजपत्री, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा हो जाएगा एकबीजपत्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोमुख हृदयाकार पत्ती है, ऑप्शन दे गए थे कचनार, भिंडी, मूली, लहसुन, तो यहाँ पर जो अधोमुख हृदयाकार पत्ती होती है वो होती है कचनार की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ण फलकों का किनारा तरंगित होता है, तो पर्ण फलकों का जो किनारा है वह तरंगित होता है अशोक की पत्ती में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष में यदि 120 वार्षिक बल हैं तो उसकी उम्र होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे 80 वर्ष, 40 वर्ष, 120 वर्ष, 140 वर्ष। तो यहाँ पर जितने ही उसमें बल पाए जाएंगे उतनी ही उसकी उम्र होगी, तो यानी कि 120 वार्षिक बल हैं तो वह उसकी उम्र भी 120 वर्ष होगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई पैंथोडियम का उदाहरण है, तो ऑप्शन दिए गए थे पीपल, बरगद, गुलर, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही हाई पैंथोडियम के उदाहरण हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैपिजेरस पुष्पक्रम पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे केले में, प्याज में, उपरोक्त दोनों में, तुलसी में। तो जो स्कैपिजेरस पुष्पक्रम पाया जाता है वह पाया जाता है केवल केली में और प्याज में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरसों एवं गुड़हल का पुष्प है, तो ऑप्शन दे गए थे अचक्रीय, अर्धचक्रीय, चक्रीय, उपरोक्त सभी। तो सरसों एवं गुड़हल का जो पुष्प होता है वह होता है चक्रीय, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाशपत्ति एवं सूर्यमुखी के पुष्प हैं, तो नाशपत्ति एवं सूर्यमुखी के पुष्प जो हैं वे होते हैं एपिगाइनस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरसों, मूली व गुलाब के पुष्प हैं, तो इन तीनों के ही जो पुष्प होते हैं वे होते हैं सिमेट्रिकल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइगोमॉर्फिक पुष्प हैं, तो ऑप्शन देखते हैं सेम, मटर, उपरोक्त, दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। तो जो जाइगोमॉर्फिक पुष्प हैं वो हो जाएगा सेम और मटर दोनों में, तो उपरोक्त दोनों सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मकोई में बाह्य दल, दल व पुंकेसर क्रमशः हैं, तो मकोई में जो बाह्य दलों की संख्या है वह होती है 5, दलों की भी 5 और पुंकेसर की भी 5, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन पौधों में बाह्य दल पुंज कांटों में बदल जाता है, ऑप्शन दे गए थे सिंगाड़ा, बैंगन, उपरोक्त दोनों, मटर। तो यहाँ पर जो बाह्य दल है वह सिंगाड़ा और बैंगन में ही कांटों में बदल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपिकैलिक्स किसके पुष्प में पाया जाता है, तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर गुड़हल, कपास, भिंडी, उपरोक्त सभी। तो जो एपिकैलिक्स जो है वह तीनों ही पुष्प में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जायांग एकांडपी होता है, तो जो जायांग एकांडपी होता है वह मटर, चना और तीनों में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेर व सरसों में कितने अंडप होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं 4, 2, 3, 1, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तंभीय बीजान्यास पाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं टमाटर, आलू, गुड़हल। तो यहाँ पर जो तीनों ही उदाहरण दिए गए हैं इन तीनों में ही स्तंभीय बीजान्यास पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतीप तथा प्रतिलोमित प्रकार का बीजांड होता है, तो प्रतीप तथा प्रतिलोमित प्रकार का जो बीजांड होता है वह इन तीनों में ही पाया जाता है, मटर, चना और सेम में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपुष्पीय पौधे कहलाते हैं, तो ऐसे पुष्प जो अपुष्पीय होते हैं, ऐसे पौधे जो अपुष्पीय होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपरागण होता है, तो स्वपरागण जो है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे सूर्यमुखी, गुड़हल, मक्का, तो तीनों में ही स्वपरागण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिस्टोगैमी का उदाहरण है, ऑप्शन दिए गए थे मक्का, मूंगफली, सदाबहार, गुड़हल। तो इनमें से क्लिस्टोगैमी का जो उदाहरण है वह है मूंगफली, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों पर द्विलिंगी पुष्प भूमि के अंदर ही लगे रहते हैं तथा कभी भी नहीं खुलते, उन्हें क्या कहते हैं,
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे क्लिस्टोगैमी, होमोगैमी, एलोगैमी और गीटनोगैमी। तो ऐसे पुष्प जो धरती के नीचे लगे रहते हैं और खुलते नहीं हैं उनको हम क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग नलिका है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे सेलुलोज, प्रैक्टिन, पैक्टिन, प्रोटीन, वसा। तो जो पराग नलिका होती है वह बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भिंडी में पर परागण का कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हिरकोगैमी, स्वबंध्यता, प्रेगुणता, पुंपूर्वता। तो भिंडी में पर परागण का कारण पुंपूर्वता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में परागण और निषेचन के बीच का समय है। तो मक्का में परागण और निषेचन के बीच का जो समय है वह 24 घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस फलों के मध्य का मांसल या गुद्देदार भाग कहलाता है। तो उसको हम मीजोकोर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, जब फल अंडाशय में विकसित होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे सत्यफल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिसेक या पार्थेनोकार्पिक फल है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखे थे आम, पपीता, सेब, काजू। तो पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट है वह है पपीता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर की फली है। तो जो मटर की फली है वह है एक फल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फल है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखे थे पका, अंडाशय, पूर्ण पुष्प, बीजांड, बीजांड व्रंत। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पका अंडाशय, यानी कि मैच्योर ओवेरी। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट फल या स्यूडोकोर्प है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे सेब, नाशपाती, कटहल, उपरोक्त सभी। तो ये सेब, नाशपाती और कटहल तीनों ही स्यूडोकॉर्प हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस फल है। ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर केला, टमाटर, पपीता, उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो सरस फल है उस वह केला भी है, टमाटर भी है, पपीता भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज पत्र खाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे अखरोट, बादाम, मूंगफली। तो इन तीनों में ही बीज पत्र खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे टमाटर, केला, मिर्च, उपरोक्त सभी। तो जो तीनों ही फल जो हैं वह बेरी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीता में खाया जाने वाला भाग है। तो जो पपीता में खाया जाने वाला भाग होता है उसको हम मध्य एवं अंत फल भित्ति बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूँ की रोटी किसके कारण फूलती है। तो जो गेहूँ की रोटी होती है वह ग्लूटिन के कारण फूलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगमा है। तो जो रेगमा है वह एक अंडी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फल कैटकिन से बनता है। तो ऑप्शन दिए गए थे भिंडी, चावल, केला, शहतूत। तो कैटकिन से बनने वाला फल शहतूत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर तथा अरंड में प्रकीर्णन किस विधि से होता है। तो मटर तथा अरंड में जो प्रकीर्णन होता है वह विस्फोटक विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बत्तख किस फल के प्रकीर्णन में सहायक है। यहाँ पर ऑप्शन देखे थे बरगद, कमलगट्टे, आम, मक्का। तो बत्तख जो है वह कमलगट्टे के प्रकीर्णन में सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव का मूल इकाई है। तो जीव की जो मूल इकाई होती है उसको हम कोशिका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था बॉटनी का पार्ट 1, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं।
अब हम नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में डालेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस डालेंगे बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है पूरा पेपर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस पूरे पेपर को PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।